ठीक है जी बेटा। तो अगेन मैं बता रही हूँ कि हम जो है स्कूल की तरफ से अप्रोच टीचर्स है, स्कूल ने हमें कहा कि हमारे बच्चों को एंगेज करो एंड वी हैव यू नो वेल एलैबोरेटेड सिस्टम, सो वी आर हियर। ठीक है, हम ऐसे नहीं कि भी किसी को भी ज्वाइन करवा दिए, कुछ नहीं, सिर्फ पर्टिकुलर स्कूल्स के साथ हम अटैच हैं। ठीक है जी। चलिए बेटा, लास्ट टाइम जो है, और हम एक कोशिश और करेंगे बेटा कि हम बीच में जब व्हेन आई विल, क्योंकि मैं बहुत ही धीरे पढ़ा रही हूँ, कोई ज्यादा है ही नहीं है, ठीक है, तो जब मैं कहूंगी कि अब अपने डाउट्स दो, अब अपने डाउट्स पूछो, तो आप जो है मेरे से डाउट्स जो है वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है जी बेटा। सो यस्टरडे वी आर डूइंग रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स एंड यस्टरडे वी हैड डन अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन अगेन क्या चीज है? देयर आर टू एप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, दैट इज वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन एंड जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अभी ये बनाना मत शुरू करना, मैं बताऊंगी तो बनाना है। जनरेटिव फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, दो सेल्स है अब हमारे पास, जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा ठीक करें, ट्रिपल फ्यूजन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन? ठीक है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों डबल फर्टिलाइजेशन हो रही है? एंजियोस्पर्म्स में है डबल फर्टिलाइजेशन, बाकी जिम्नोस्पर्म्स तक कोई डबल फर्टिलाइजेशन नहीं थी, तो क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों हुई? ठीक है, कैन एनीबडी टेल मी? यस, इज देयर एनीबडी हु कैन टेल मी डबल फर्टिलाइजेशन क्यों हो रही है? कोई तो बोले, कल हमने थोड़ा सा किया था। हाँ जी जसलीन, कैन यू टेल मी बेटा? जसलीन, हाँ जी, एनीबडी? मनन, कैन यू टेल मी? मनन, when one male gamete fuses with the egg cell which results in the form of zygote and syngamy plus triple fusion is called as double fertilization. Okay, do male gametes bane, bilkul thoda sa ye theek hai ki chalo ye aapne double fertilization batayi beta, par hum ye puch rahe hai ki double fertilization hoti kyun hai? Double fertilization ka kya matlab hai beta? Ki ab yahan pe likh lo, write down this answer, what is the significance of double fertilization? Write down, in double fertilization, the primary endosperm cell is formed after formation of zygote. Please repeat. In double fertilization, the primary endosperm cell or the primary endosperm cell is formed after formation of मैं बताती हूँ, पहले primary endosperm cell or endosperm or nutritive tissue, कुछ भी लिख सकते हैं, is formed after formation of zygote. This prevents wastage of energy after formation of zygote. This prevents wastage of energy after formation of zygote, beta. After formation of zygote, this prevents wastage of energy. This prevents wastage of energy in forming nutritive tissue.
in forming nutritive tissue in case zygote is not formed. In case zygote is not formed. ठीक है जी, सेकेंड पॉइंट लिखिए. इन एंजियोस्पर्म्स दिस इज द एडवांस्ड फीचर. इन एंजियोस्पर्म्स दिस इज द, मतलब डबल फर्टिलाइजेशन, दिस इज द एडवांस्ड फीचर एज कंपेयर्ड टू जिम्नोस्पर्म्स. एज कंपेयर्ड टू जिम्नोस्पर्म्स. In angiosperm, this is an advanced feature as compared to gymnosperms. As compared to gymnosperms, in which fertilization occurs. In which endosperm is formed. Endosperm is formed before fertilization. लिख लो, syngamy या fertilization एक ही बात है. Before syngamy or fertilization from female gametophyte. ये थोड़ा सा आप जाकर घर में पढ़ोगे gymnosperms के बारे में, प्लस वन की बुक खोलो तो समझ में आएगा. From female gametophyte. देखो बेटा, fertilization से पहले ही nutritive tissue बन गया. ठीक है, बहुत सारी एनर्जी प्लांट ने लगा दी न्यूट्रिटिव टिश्यू बनाने में. जिम्नोस्पर्म्स की बात हम कर रहे हैं, और बाय चांस किसी कारण से मेल गैमेट्स नहीं पहुंचे, किसी कारण से मेल गैमेट्स पहुंचे बट वो मर गए, फर्टिलाइजेशन हुई नहीं, जाइगोट बना ही नहीं, तो वो सारी एनर्जी जो एंडोस्पर्म बनाने में लगी थी वो क्या हो गई, वेस्ट हो गई. ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, देयरफॉर इन जिम्नोस्पर्म्स, देयरफॉर in gymnosperms, if fertilization does not occur, then whole of the energy which was used in formation of endosperm gets wasted. Whole of the energy in formation of endosperm. Ma'am, please repeat the line. Therefore, whole of the energy. Ma'am, therefore in gymnosperm. Gymnosperms, whole of the energy used in formation of endosperm gets wasted. दोबारा से मैं बता समझा रही हूँ, ठीक है, लिख लिया आपने. Gymnosperms में क्या होता है बेटा, जो एंडोस्पर्म है पहले ही बन जाता है, फर्टिलाइजेशन की डबल फर्टिलाइजेशन होती नहीं, एंडोस्पर्म बन जाता है फीमेल गैमेटोफाइट से, उसके बाद जाइगोट बनता है. जाइगोट बन जाए तो वो एंडोस्पर्म यूज हो जाता है, अगर जाइगोट नहीं बनता तो एंडोस्पर्म यूज ही नहीं होता और वो थोड़ी देर बाद डीजेनरेट कर जाता है. मीन्स जो एंडोस्पर्म बनाने में एनर्जी कंज्यूम हुई थी वो वेस्ट चली गई अगर जाइगोट नहीं बना. जबकि एंजियोस्पर्म्स में ट्रिपल फ्यूजन या प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कब बनता है, जब पहले जाइगोट बनता है. ये मैंने कल भी बताया था आपको, अगर जाइगोट नहीं बनता तो क्या होता है, देन ट्रिपल फ्यूजन
does not occur. ठीक है, तो ट्रिपल फ्यूजन नहीं होती, और ट्रिपल फ्यूजन नहीं होती तो एंडोस्पर्म नहीं बनेगा, और अगर एंडोस्पर्म नहीं बनेगा तो एनर्जी वेस्ट से प्रिवेंट हो जाएगी. तो ये प्रोसेस डबल फर्टिलाइजेशन किस लिए है? टू कंजर्व द एनर्जी ऑफ द प्लांट इन केस देयर इज नो सिंगामी या इन केस नो जाइगोट इज फॉर्म. ठीक है, तो लास्ट लाइन में एक स्टार डाल के पॉइंट लिख लो. Thus, the double fertilization, star डाल के लिख लेना. Thus, the double fertilization in gymnosperms, is meant, ठीक करो, in angiosperms, Thus, double fertilization in angiosperms is meant for conservation of energy, or to prevent, wastage of energy, in case syngamy does not occur. Ma'am, please repeat. Double fertilization in angiosperms is meant for conservation of energy or to prevent wastage of energy in case no syngamy, or no formation of zygote, हाँ जी, next question आ जाओ बेटा. Why zygote remains dormant for some time, but dormant बात आ जाते हैं, but do you mean by बेटा, again my request is to switch off your, मुझे बार बार बेटा switch off यहाँ से ना करना पड़े, खुद ही करो, है ना? What do you mean by dormancy or dormant stage? आपने plus one में पढ़ा होगा ये, growth and development में dormancy वाला थोड़ा सा पढ़ा होगा. हाँ जी, कौन बता रहा है? अक्षय is there? Is अक्षय there? Prabjot? Inability of viable seeds to germinate. Seeds, but I have dormancy of seeds. Pucha hi nahi. I have वैसे ही dormancy पूछा है. Dormancy किसी भी चीज की, bud की, seed की, embryo की, किसी भी चीज की dormancy हो सकती है. बोलो. Inability of viable bud, seed or anything to germinate in under favorable conditions. Germinate हम नहीं कहेंगे, to develop. ठीक है, इनएबिलिटी लिख लो एवरीबडी. व्हाट डू यू मीन बाय डोरमेंसी और डोरमेंट स्टेज? व्हेन ए स्पेसिफिक डेवलपमेंटल स्टेज, एंड द स्पेसिफिक डेवलपमेंटल स्टेज एंटर्स इन द रेस्टिंग पीरियड, And please repeat. When the particular developmental stage enters in the resting stage and does not develop further, and ma'am, please repeat again, when a specific development stage enters in the resting stage and does not develop further for some period,
for some duration, yeah, some period, for some duration or some period, it is called as dormancy or dormant state. It is called as dormancy. Because Meet ne puchha reading, ne resting, R-E-S-T-I-N-G, resting stage. Aging nahi hai ye, resting stage hai. Thodi de rest karke fit development karenge. Next question aa jata hai, ye Harman ke liye hai. Why zygote remains dormant for some time after double fertilization? Harman hai beta? Harman, Navraj? Dormant stage is a resting stage. Dormant stage is the resting stage. Hanji Chavi, aap batao beta. Hanji beta, hum ye kehte hain, dekho. Humne kal bhi bataya tha aapko ki why zygote remains dormant for some time after double fertilization. Ho gayi. Zygote jo hai wo dormant stage mein chala jata hai taki endosperm develop ho jaye. ताकि उसके बाद सफिशिएंट फूड हो जाए तब वो डेवलपमेंट शुरू करता है. तो आंसर लिख लो टू एंश्योर. मैम प्लीज रिपीट द क्वेश्चन. क्वेश्चन बेटा यहाँ पे लिखा है व्हाई ज़ाइगोट रिमेंस डोरमेंट. ये देखो सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके आएगा. मैम व्हाट इज प्लीज रिपीट आंसर. इसका आंसर बेटा यही वाला आंसर ना मैं बता रही हूँ टू एंश्योर. सेकेंड क्वेश्चन का है to ensure sufficient nutrition. To ensure sufficient nutrition available to the zygote. Available to the zygote for its development. For its development. हाँ जी प्रभजोत ने कुछ पूछना है. हाँ बेटा प्रभजोत बोल. नो मैम आंसर ही बताना था. अच्छा चलो पता चल गया. आपने बताना था आपको पता भी होगा इवेश. ठीक है जी. एनी अदर. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी बेटा. मैम आफ्टर सिंगेमी व्हेन पीईसी इज फॉर्म्ड. हाँ अंदर को देता लो टेबल पे. हाँ जी मनन बोलो. So it will not be the resting stage. So the question. हाँ अब बोलो. हाँ क्या बनाइए. मनन जाके निकल रहा था नहीं. वीडियो यहाँ हो रही है. ਜਾ ਫਿਰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਹਰੇ ਵੀਡੀਓ ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ. ਚਲੋ ਮਨਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਕੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਮੀ ਬਾਈ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬਾਈ ਚੈਟਿੰਗ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਸੋ ਦੀਸ ਆਰ ਦਾ 3 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਸਕਸ. ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਤੇ ਜਲਦੀ ਸੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਐਂਡੋਸਪਰਮ. ਆਪਕੋ ਮੈਨੇ ਬਤਾਇਆ ਥਾ ਆਫਟਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂ ਨੋ zygote and after double fertilization the endosperm develops first and then the zygote. So ab aa jaiye development of endosperm. theek hai. So ab pehle suno meri baat suno aur fir likhna. Everybody listen carefully. And then, जब मैं कहूंगी तब ये बनाना और तब ये लिखना. Because ये embryo sac में zygote बन गया और PEC बन गया. ठीक है. Zygote dormant stage में चला गया. Primary endosperm nucleus. उसका जो ये nucleus है it undergoes. ये देखो ये है
primary endosperm cell to ye hai. Its nucleus undergo pre-nuclear division. Pre-nuclear division ka kya matlab hai beta? Pre-nuclear division of primary endosperm nucleus. That is karyokinesis occurs, but no cytokinesis. Cell wall nahi banti, nucleus divide kari ja raha hai. ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियाई बन गए. ये क्या है? ये है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. है वही है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई बन गए. देन उसके बाद क्या होता है, जब बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए वैक्यूल इन द सेंटर. एक वैक्यूल होता है और सारे न्यूक्लियाई जो है वो पेरिफेरी पे शिफ्ट हो जाते हैं. ठीक है, देन देयर अकर्स cytokinesis start. अब जब सारे न्यूक्लियाई बन गए, बहुत सारे न्यूक्लियाई बन गए, तब साइटोकाइनेसिस शुरू होती है एंड रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म. और ये क्या है? जाइगोट है. और जाइगोट फिर क्या बना देता है? जब एक बार एंडोस्पर्म बन गया तो जाइगोट ने क्या बनाया? एम्ब्रियो बना दिया, विच ग्रोज बाय एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम द एंडोस्पर्म. यहाँ पे इस टाइप के एंडोस्पर्म में पहले क्या हुई? सिर्फ कैरियोकाइनेसिस और बाद में साइटोकाइनेसिस हुई. So this type of endosperm is called as nuclear type endosperm. कुछ और cases में क्या है कि देखिए यहाँ पे कि ये zygote है, ये primary endosperm cell की karyokinesis के साथ ही cytokinesis भी हो गई. ठीक है, each karyokinesis is followed by cytokinesis और धीरे धीरे फिर वही endosperm बन गया, zygote बन गया और आगे embryo बन गया. यहाँ पे क्या था? पहले free nuclear division थी, फिर cytokinesis. In second type of endosperm development, cytokinesis occurs simultaneously with karyokinesis. And such a type of development is called as, यहाँ पे मैं इधर लिख देती हूँ, is called as cellular type. Ma'am, please zoom. हाँ जी बेटा, मैं कर देती हूँ. और फिर उसके बाद आ जाती है बेटा. Ma'am, please repeat the cellular type. Cellular type है बेटा, हर division जो है, पहली division हुई, पहले न्यूक्लियस डिवाइड किया और साथ ही साथ सेल भी डिवाइड कर दिया. तो सेलुलर में क्या है? ईच डिवीजन इज फॉर ईच न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, सेल वॉल फॉर्मेशन. दिस इज सेलुलर टाइप. एंड प्रोडक्ट सबका सेम ही है. ठीक है, उसके बाद थर्ड आ जाती है बेटा, हेलोबियल टाइप. पहले समझो, मैं लिखवाऊंगी आपको सारा. तो इसमें जो फर्स्ट डिवीजन है, आप देख रहे हो कि दो सेल्स बन गए हैं, माइक्रोपाइलर सेल एंड चलाजल सेल. अनइक्वल सेल्स है, माइक्रोपाइलर बड़ा है, चलाजल बड़ा है. तो सेलुलर टाइप फर्स्ट डिवीजन हो गई. बट बाकी की दोनों ये सेल्स दे फर्दर दे शो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म लाइक डेवलपमेंट. फाइनल तो वही बनेगा. तो हेलोबियल इज mixture of nuclear and cellular type of endosperm development. ठीक है, तो पहले लिख लो फिर बनाना. Write down. Based on the development of end, जल्दी लिखना और बाद में जो चीज नहीं समझ में आएगी या छूट जाएगी वो underline कर लेना या जगह छोड़ देना बाद में. पहले मैं लिखवा लूँ एक बार, फिर बाद में पूछ लेना. ठीक है, बीच में disturb करते तो बहुत time लग जाता है. ठीक,
मैं बोलूंगी धीरे धीरे. बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म. बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट देयर आर three types of development. Nucleus, three types of? There are three types of endosperm. That is nucleotide. Second, cellular type. Or third, Halobial type. सेकेंड पॉइंट लिखिए. एंडोस्पर्म इज द न्यूट्रिटिव टिश्यू. एंडोस्पर्म इज द न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. फॉर द डेवलपमेंट of embryo. It consists of, मतलब endosperm, it consists of nutrient rich cells. Cells के अंदर nutrition भरी हुई है. It consists of न्यूट्रिएंट रिच सेल्स. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कर लीजिए. ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कॉमा whole of the endosperm is consumed in some plants. Whole of the endosperm is consumed in some plants, such as pea, beans, groundnut, etc. Pea, beans, groundnut, etc. Whereas in some other plants, whereas in some other plants, such as wheat, maize, rice. माइक ऑफ करो प्लीज, पीछे की आवाजें ना आए यहाँ पर. Whereas in some other plants such as wheat, maize, rice, castor, etc., some of the endosperm is still left. Some of the endosperm is still left after development of embryo. After. Ma'am, some of the endosperm is still left. Is still left after development of embryo. After. Development
of embryo. I'm still left. Still left after development of embryo. Ma'am, coconut mein bhi reh jata. Coconut mein bhi reh jata. Bilkul theek hai. Ek iski example coconut bhi kar sakte ho. ठीक है, कुछ में रह जाता है, कुछ में कंज्यूम हो जाता है. ठीक है, इसके बारे में हम फिर बात करेंगे भी क्या है, क्यों रह जाता है या क्या है. वी विल टेल यू लेटर ऑन. बट पहले आ जाइए टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म. फर्स्ट आ जाइए न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म. न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म. In this type, repeat. Nuclear type endosperm. इसके बारे में लिखना है अभी हम. In this type of development, the nucleus of PEC divides many times. Nucleus of PEC divides many times, but no cytokinesis. This is called as prenuclear division. It results in formation of many nuclei within the same cell. Next point आ जाइए. When all the nuclei are formed, जितने भी उस plant में nucleus बनने हैं, when all the nuclei are formed, comma, there is formation of central vacuole. Pushing all the nuclei to the periphery. Periphery होता है बाहर की तरफ. To the periphery. PERY. Periphery. Next point लिख लीजिए. Then cytokinesis starts. And results in formation of endosperm having nutrient enriched cells.
ठीक है, चलो पहले ये वाला बना लो फटाफट से जो मैं फोकस कर रही हूँ. न्यूक्लियर टाइप जो है आपने क्या, मैं बताती हूँ आपने क्या क्या बनाना है. जरूरी नहीं इस तरह से बनाना, अलग अलग तरह से बना सकते हो. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. ये बनाओ न्यूक्लियर टाइप में जल्दी से. मैम वकील काम कर गया. क्या कह रहे बेटा? वकील. वैक्यूल का क्या होगा? धीरे धीरे जैसे ही मतलब सेल्स बनने शुरू हो जाएंगे वैक्यूल खत्म होता जाएगा बेटा. जब पूरा एंडोस्पर्म बन गया तो वैक्यूल खत्म हो गया. और मैम सेलुलर में वैक्यूल बना ही नहीं. सेलुलर में वैक्यूल बनता ही नहीं है. मैम थोड़ा ऊपर कर दो, फर्स्ट वाला विजिबल नहीं है. ये लो पहले फर्स्ट वाला बना लो. एक्सक्यूज मी मैम. हां जी बेटा. Ma'am, in holobial type, in first division, we have named the two cells as chalazal cell and micropylar cell. Mm-hmm. So, in the similar way, we can also name the two cells in cellular type. Haan, in the first division. But yahan pe hum kya baat hai ki yahan pe humne kyun ye kiya, aise kyun likha? Likh to yahan bhi sakte hai. But aise kyun likha? Ek to unequal cells hai. Upar se dono cells ke har apni apni tarah se nuclear jo hai development karte hai. Isliye humne yahan pe mention kiya. यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके मैम, थैंक यू मैम. हाँ जी बेटा, हो गया? नो मैम, थोड़ा देर आइए. चलो करो करो फटाफट. मैम थोड़ा ऊपर करना. करती हूँ. ये वाला रब कर दूँ बेटा, ये वाला सेकंड डायग्राम. यस मैम. थर्ड डायग्राम बेटा. यस मैम. मैं फिफ्थ वाली डायग्राम में हूँ, वो सारा एंडोस्पर्म है जो साइड्स पे. ये सारा, ये ब्लैक वाला सारा एंडोस्पर्म है. ओके मैम.
नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ डायग्राम. हाँ जी फिफ्थ बनाना है अभी. ये लो डन मैम. चलो बेटा किसी का अगर वीडियो क्लियर नहीं है अगेन दोबारा से काट के एक बार दोबारा से ज्वाइन करो. यू विल बी ओके, द वीडियो विल बी ओके. कई बार आपकी ही बैंडविड्थ की, क्योंकि हमारी तो यहाँ बेटा बहुत अच्छी बैंडविड्थ है, बहुत अच्छा हमारा तो सिस्टम है, इसलिए हमें प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो हमारा ठीक जा रहा है. चलिए नेक्स्ट आ जाइए बेटा. सेकेंड इज सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म. सेलुलर टाइप ऑफ, अच्छा न्यूक्लियर टाइप की बेटा एग्जाम्पल लिख लो. न्यूक्लियर टाइप की एग्जाम्पल लिख लीजिए. दैट इज कोकोनट वाटर. कोकोनट वाटर इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. कोकोनट वाटर जो है इट इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. सेकेंड एग्जाम्पल लिख लीजिए बेटा. मेज वीट राइस. पहले न्यूक्लियर डेवलपमेंट होके बाकी तो ऐसा ही बनना है. मेज वीट राइस सनफ्लावर. सनफ्लावर कई बार आई है एग्जाम में. मेज वीट राइस एंड सनफ्लावर इनमें न्यूक्लियर टाइप डेवलपमेंट. उसके बाद सेलुलर टाइप आ जाइए. तो इसमें लिखो इन सेलुलर एंडोस्पर्म. इन सेलुलर एंडोस्पर्म ईच कैरियोकाइनेसिस. वी हैव ट्राइड दिस इन न्यूक्लियर टाइप. ये जो एग्जांपल्स मैंने बताई थी वीट राइस मेज एंड सनफ्लावर एंड कोकोनट वाटर वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की थी. ठीक है, जो आपने डायग्राम ड्रॉ किए वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के डायग्राम है. नो मैम दैट यू वर स्पीकिंग राइट नाउ. अब हम बात कर रहे हैं सेलुलर टाइप की. ओके, इन सेलुलर टाइप ईच न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय ईच न्यूक्लियर डिवीजन इज followed by cell wall formation. Cell wall formation. ठीक है, इतना सही. हर न्यूक्लियर डिवीजन के बाद सेल वॉल बन रही है. हर साइटोकाइनेसिस, हर कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस हो रही है. ठीक है, तो ये डायग्राम्स बना लो. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5 बनाना मत, सिर्फ 4, 5 लिख लेना ताकि आपको बाद में जब घर पे बैठोगे तो बना लेना. ठीक है, सो ड्रॉ दीज. 1, 2, 3, 4, 5 एज इन केस ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. मैम थोड़ा नीचे करना.
चलो बेटा हो गया, रब कर दूं मैं ये? यस मैम। यस मैम। चलो जी नेक्स्ट आ जाइए। अच्छा सेलुलर टाइप की, एक मिनट ये रब कर। अब सेलुलर टाइप की बेटा एग्जांपल्स देख लो। धतूरा, DATURA, इसकी एग्जांपल्स है सेलुलर टाइप की धतूरा। अनदर इज पिटूनिया। धतूरा एंड पिटूनिया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए हेलोबियल टाइप। हेलोबियल टाइप इट इज इन बिटवीन, इट इज इन बिटवीन न्यूक्लियर टाइप एंड सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। इट इज इन बिटवीन न्यूक्लियर टाइप एंड सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। सेकेंड पॉइंट लिखिए, द फर्स्ट डिवीजन इज लाइक सेलुलर एंडोस्पर्म। फर्स्ट डिवीजन इज लाइक, रिपीट, द फर्स्ट डिवीजन is like cellular endosperm resulting in formation of, resulting in formation of two cells, two unequal cells, resulting in formation of two unequal cells. Micropylar, larger micropylar cell and smaller chalazal cell. Larger micropylar cell and smaller chalazal cell. Next point लिख लीजिए। मैम one second। हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बोथ द सेल्स, बोथ द सेल्स देन डेवलप इंडिपेंडेंटली, देन डेवलप इंडिपेंडेंटली लाइक न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, लाइक न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी लिख लो बेटा, हेलोबियल की एग्जाम्पल है एस्फोडेलस। एस्फोडेलस डायग्राम बना लो जल्दी से। फोर्थ फिफ्थ वैसे ही लिख लेना, बाद में बनाना। वन टू थ्री बना लो, वन टू। Done students? No ma'am. No ma'am. करो करो फटाफट।
कर तू मेरे ये सारा रहा मैम वेट नेक्स्ट आ जाता है बेटा एम्ब्रियोजेनी नेक्स्ट आ जाता है एम्ब्रियोजेनी व्हाट इज एम्ब्रियोजेनी इट इज Development of embryo. From zygote. By absorbing. Nutrition from. And this development of embryo from zygote by absorbing nutrition from endosperm, this is called as embryogeny. ठीक है? इसमें process of dicot embryogeny. Process of dicot embryogeny. ठीक है यहाँ देखते चलो डायग्राम्स ही बनाया डायग्राम्स बाद में बनाना बट पहले हम देखें तो फर्स्ट स्टेज ये थी इसमें जाइगोट में क्या हुई ट्रांसवर्स डिवीजन हुई ये कौन सा है दिस इज माइक्रोपाइलर एंड दिस इज ठीक है ये याद रखना है तो अब सबसे पहले क्या है ट्रांसवर्स डिवीजन जैसे बेटा हम जब कुकम्बर है खीरा काटते हैं तो जो हम स्लाइसेस ऐसे ऐसे गोल गोल बनाते हैं दैट इज ट्रांसवर्स डिवीजन जाइगोट में भी ट्रांसवर्स डिवीजन हुई तो Unequal cells, large basal cell towards microphyll or फिर है small. Now we need to write down this. हाँ साथ साथ लिखते रहो बेटा समझते भी रहो लिखते भी रहो डायग्राम्स बाद में बनाना स्मॉल टर्मिनल सेल टुवर्ड्स चलासा स्मॉल टर्मिनल सेल्स टुवर्ड चलासा जो माइक्रोपाइल की तरफ सेल है
divides many times. कौन सी division से? Mitosis से. To form 6 to 10 cells long suspensor. It divides only after formation of suspensor. पहले नहीं, कौन सा सेल पहले डिवाइड करेगा? बेसल सेल. ये पहले डिवाइड करेगा और फिर ये बात ये करेगा. Ma'am, what is written there after 6 to 10 cells? Hanji bata. After 6 to 10 cells. 6 to 10 cells long suspensor. ठीक है? और यहाँ पे साथ में ही लिखना है कि ये मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिख रही हूँ. Suspensor pushes the embryo in the endosperm. वो ऊपर को endosperm में उसको push कर रहा है. लिख लिया बेटा सबने? रब कर दो इसको. यस मैम. यस पॉइंट आ जाइए. ये देखते चलो. यस मैम. ये एम्ब्रियोनल सेल या टर्मिनल सेल है, ये आगे इसमें डिवाइड कर रहा है. ठीक है, ये वाला, ये एम्ब्रियोनल सेल इसमें डिवाइड कर रहा है. नेक्स्ट आ जाइए, टर्मिनल सेल पे आ जाओ. टर्मिनल सेल के नीचे लिखो No terminal cell divides by transverse and longitudinal division to form 8-celled octant stage. Can you please explain large basal cell, third point that you have written on? हाँ, third point है बेटा. Okay. ये embryonal cell या terminal cell now divides by transverse and longitudinal division. है ना, दो transverse पीछे वाले cells इधर, है ना? Okay. Transverse and longitudinal division to form octant cell. ये देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Thank you. Yes. है, the upper tier towards the upper tier, यहाँ पे लिख लो 4 cells towards. मम्मी टर्मिनल वाली साइड ही है. टर्मिनल वाली साइड ही है. The upper tier towards chalazal
end is called as epibasal tire. The lower tire of four cells is called as hypobasal tire. Is called as hypobasal tire. Next आ जाइए. The cell of suspensor adjacent to hypobasal tire is called as hypophysis. ये देखिए, ये जो है, ये वाला cell. देख रहे आप सबको? This is called as hypophysis. This early embryo with radial symmetry is called as proembryo. Radial symmetry आपने plus one में पढ़ी हुई है. With radial symmetry is called as proembryo. We have to make these diagrams. अभी बनाएंगे बेटा. ठीक है? एक point और लिख लें, फिर बनाते हैं. जो बेटा एपिबेसल सेल है, एपिबेसल सेल फॉर्म्स या आगे डेवलप करके फॉर्म्स प्लूमूल एंड कॉटिलिडन्स. हाइपोबेसल सेल फॉर्म्स, अभी मैं बताऊंगी आपको हाइपोकोटाइल क्या होता है. हाइपोकोटाइल एंड हाइपोफिसिस फॉर्म रेडिकल एंड रूट क्या. मैम ये बेसल सेल टुवर्ड्स लिखना है. बेसल सेल क्या बता रहे, पूछ रहे बेटा? बेसल सेल साइड लिखना है ये. हाँ नहीं बेटा, ये जनरल ही मैं वैसे तो बता रही हूँ कि ओके ओके मैम. ये जनरल ही है कि जो ये बने हैं. ओके मैम. डन बेटा, लिख लिया. मैं डायग्राम्स की तरफ फोकस करूं. चलो जी, अब बनाओ. ये डायग्राम बना लो. एम्ब्रियोजनी इन डायकॉट्स, यहाँ पे लिख लेना माइक्रोफाइलर एंड चलाजल एंड.
हो गया बेटा, दूसरी साइड कर दूं थोड़ा सा फोकस और। प्लीज वेट, लास्ट डायग्राम, लास्ट डायग्राम। ओके चलो कर लो, कर लो। हॉस्टोरियम बता दो। हॉस्टोरियम बेटा कुछ नहीं है, हॉस्टोरियम जो है ना सिर्फ एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने में काम आता है और फिर एम्ब्रियो को सप्लाई करता है। करूं दूसरी तरफ बेटा? प्लीज प्लीज कंसोल। ये देखो ये कॉटिलीडन्स बन रहे हैं, ये बीच में छोटा सा प्लूमोल है। ये कॉटिलीडन्स रेडिकल रूट कैप और ये रेडिकल है और ये कॉटिलीडन्स और रेडिकल के बीच में जो ये रीजन है दिस इज हाइपोकोटाइल। So this is graphic embryology. बस थोड़ा सा रह गया हमारा बेटा ये चैप्टर, ठीक है? मैंने आपको असाइनमेंट भेजी हुई है, कर रहे हो कि नहीं हो, क्वेश्चन देखते हो कि नहीं? Yes or no? हाँ ना में तो जवाब दो। Yes ma'am. Yes ma'am. तो करते रहो ऑब्जेक्टिव और फिर हम लास्ट में वो सब जो डाउट्स होंगे वो हम क्लियर करेंगे। ऑब्जेक्टिव हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। Okay ma'am. ठीक है जी, जिसने बना लिया है कोई डाउट नहीं है दे कैन गो। एंड अगेन आपकी फिजिक्स क्लास 4:30 पे है, अपना डाटा बचा के रखो। जिसने कुछ पूछना है दे कैन स्टे बैक, जो कर चुके हैं दे कैन गो। एंड थैंक यू वेरी मच मैम। प्लीज जूम।